नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होगी यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और आज सुबह कमोडिटी बाजार में वो कौन सी कमोडिटीज हैं जो मंदी तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। पूरा दिन आज ट्रेडिंग बाजार कैसा देखने को मिलेगा और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं कि सोना $1,843 पर है और जो सिल्वर है $21.9 पर, दोनों ही लाल निशान पर हैं और दोनों ही अपने सपोर्ट लेवल्स पर हैं। तो सोने चांदी जो यहाँ पे सस्टेन हो रखे हैं, तो यहाँ से अब नीचे की ओर जाएंगे या फिर यहाँ से सोने चांदी में बढ़त देखने को मिलेगी, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी, गोल्ड और सिल्वर में क्या लगता है, अपने सपोर्ट लेवल्स पे तो हम सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन क्या अब यहाँ से आगे अच्छी तेजी बनेगी या फिर जो प्राइसेस हैं वो ऐसे ही यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के साथ अपने सपोर्ट लेवल्स पर ही बने रहेंगे? देखिए, जहाँ तक सोने और चांदी की बात है, अभी फिलहाल मार्केट तेजी की तरफ ही है और लगातार हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में लगता है कि यहाँ से अभी फिलहाल खरीदारी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं हमें डॉलर के ऊपर भी नजर रखनी होगी, जिस तरीके से डॉलर के अंदर मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, उसका असर फिलहाल सोने चांदी की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सोना और चांदी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसके अंदर बाइंग पोजिशन ही बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सोने के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में भी फिलहाल सोना जो है पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बाइंग में ही रहा जा सकता है। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी अगर 1800 अभी हम देख रहे हैं कि 43 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डिप आने का वेट कीजिए। $1,820 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है बाइंग की और वहां पर उन लेवल्स के ऊपर इसको बाय करके चला जा सकता है। अभी फिलहाल जो है एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं और जिसका फायदा जो है वो गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और ऐसे में सोना तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। जी रूपा जी, क्रूड में क्या लगता है? क्रूड में देख रहा दोबारा रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। खबरें हैं कि सऊदी ने जो क्रूड के प्राइसेस है वो बढ़ा दी है और जबकि ओपेक का डिसीजन था कि जुलाई और अगस्त में जो पर डे की जो प्रोडक्शन है 6,48,000 बैरल पर डे की जाएगी, तो इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है कच्चे तेल में अब कैसा रुझान रहेगा? उधर देख रहे कि चाइना भी जो मार्केट में वापस आ चुका है अब। देखिए बिल्कुल, चाइना के वापस आने से ही मार्केट में एक तेजी का रुझान बना है और वापस से कच्चा तेल जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। 9000 के सरों के पास जाने के बाद हमने इसे 9000 के नीचे लुढ़कते हुए देखा, आज अगेन आप देखिए फिर से 9200 के पार हम इसको देख रहे हैं, इनफैक्ट 9300 के बेहद करीब है। तो काफी पॉजिटिव लग रहा है कच्चा तेल यहाँ से और मैंने लगातार यही बोला है कि इसमें कच्चे तेल के अंदर निचले स्तरों पर हमेशा आप बाइंग करके चलिए और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि चाइना से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिमांड बढ़ सकती है और डिमांड अगर और ज्यादा पीक पे पहुंचती है तो और ज्यादा प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए कच्चे तेल के अंदर बाइंग में पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। हमें लगता है कि यहाँ से 9300 के पार निकलता है तो 9500 तक के स्तर बड़ी इजिली हम इसमें देख सकते हैं। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है? एल्यूमिनियम में तो खबरें हैं कि डोमेस्टिक कंजप्शन जो है एल्यूमिनियम की वो बढ़ सकती है, वहीं दूसरा ये भी खबर निकल के सामने आई है कि फंड मैनेजर इलियोइट एसोसिएट ने लंदन मेटल ऑफ एक्सचेंज को सू किया है $456 मिलियन का, कि ये जो मार्च में उन्होंने जो निकल वायदा को सस्पेंड किया था उसके मद्देनजर। तो आपको क्या लगता है इसके मद्देनजर अब बेस मेटल्स का जो बाजार है वो कैसा रहेगा? देखिए बेस मेटल में अभी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, जहां जिंक और एल्यूमिनियम में आज हम गिरावट देख रहे हैं वहीं कॉपर थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया है। अब देखिए कॉपर एक बार फिर से 800 के स्तरों पर पार जाने की कोशिश में है और आज मुझे लगता है कि 792 से 790 नीचे लुढ़कता है तो वहां पर बाइंग आ सकती है और अगेन आज 800 के ऊपर का टारगेट लेकर चला जा सकता है कि 800 के ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर जिंक और एल्यूमिनियम की तो उसमें भी आज ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। जिंक मुझे लगता है कि 328 के आसपास अच्छा लेवल है बाइंग के लिए और ऊपर में 335-338 का स्तर देखने को मिल सकता है।
वहीं एल्यूमिनियम भी नीचे में 234 से लेकर ऊपर में 238, 240 के स्तरों पर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बेस मेटल्स में करेक्शन के अंदर बाइंग का पोजीशन जो है वो बनाया जा सकता है। ट्रेंड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, अब यहां से डिमांड पिकअप होते हुए नजर आ सकते हैं और प्राइसेज में सस्टेनेबिलिटी इन लेवल्स के ऊपर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन के अंदर इन कमोडिटीज के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस देख रहे हैं 9.4 डॉलर्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आगे भी क्या इससे ज्यादा लेवल्स देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग बन जाएगी? देखिए एक्सपेक्टेड भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। पहले भी हमने देखा था कि प्राइसेस जब ऊपर आए थे उसके बाद करेक्शन में चला गया था मार्केट, लेकिन अगेन सस्टेनेबिलिटी के साथ अब फिर से 735 पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अब यहाँ पर अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में तो 9 डॉलर के ऊपर है, अगर 10 डॉलर टच हो जाता है तो एक अच्छा रिकॉर्ड स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है और एक्सपेक्टेड है कि 10 डॉलर तक की तेजी फिलहाल विदेशी बाजारों में आ सकती है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट भी 760 से 780 तक ऊपर जा सकते हैं। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए नॉन एग्री में मुझे क्रूड काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ से मेरे हिसाब से क्रूड में बाय किया जा सकता है और सेम एज इट इज कॉपर में भी बाय करा जा सकता है। कॉपर 820 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमिटीज की।